हेलो। हेलो। हाँ हाँ पूजा बोलो। कल बताइए। आपने मैसेज किया था आज से 11:30 बजे, फोन था सर। तो आज देखा है क्या? अच्छा, मैं 10 बजे से बात फोन नहीं चलता हूँ ना। बीबी के पल्लू में छुप जाते हो 10 बजे के बाद? ऐसा क्यों करते हो? मर्द अच्छा बनो मर्द यार, ये ना मर्द वाली हरकत छोड़ दो। अपनी अम्मी के पास बैठना ना मलती ना मलती वाली था मैं। अपनी अम्मी का अपनी हाल चाल लेना है पूरे दिन हाँ दिन के बाद उनके पैर दबाना, ये ना मलती वाली था मैं। कुछ क्या नाम है तुम्हारी अम्मी का? भी हो मेरी अम्मी का नाम है, कुछ हाँ भी हो मेरी अम्मी का नाम, अगर कुछ भी नाम है मैं उनके तुम्हारी अम्मी पास का, तो ये जो कुछ भी है? अम्मी है तुम्हारी, तो क्या देखो इन्होंने मेरी मना अम्मी किया है से कि फोन पे दीन की बात ना करना? नहीं, मेरी अम्मी ने बोला है कि बेटा तुमको नहीं, दिन का अब काम हम करना समझे। है। 10 बजे के बाद तुम इसलिए बात नहीं करते हो क्योंकि जहाँ तुम अपनी अम्मी जान के सामने दूसरों की अम्मी बहन को गाली दोगे तो तुम्हारी अम्मी तुमको पीट देंगी। इबादत के टाइम मैं बात नहीं करता हूँ ना। रात को 10 बजे कौन सी इबादत होती है इबादत भैया? है, अरे वालिदैन की किस्मत भी अरे ये करना सब तो इबादत बहाने हैं। कुल मिला के तुम अपनी अम्मी के सामने दूसरों की माँ को गाली कहाँ दे है। पाओगे? जानती है तुम्हारी माँ तुमको पीट पाट देंगी क्योंकि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी हरकतों के बारे में मालूम नहीं है ना कि तुम कितने बड़े गालीबाज हो। मेरी अम्मी तो मालूम है, तुम एक लेकिन काम मेरी करो अम्मी अरे तोतले, आज तुम रात को 10 बजे अपनी अम्मी से हमारी बात करा देना। हम अम्मी से चल तुम्हारी मेरी बे अम्मी से जाहिले तुम्हारी मुर्शिद, शिकायत करेंगे कि अम्मी जान ये जो आपका सपूत है ये लोगों की माँ बहनों को रंडी कहता है, गालियां देता है। फिर देखो हाँ तुम्हारी माँ में अगर दोनों थोड़ी भी मालूम है, इंसानियत होगी तो तुमको जूते से मारेगी। उनको मालूम है दोनों। अच्छा, उनको मालूम है कि तुम रंडी कहते हो दूसरों को? तौबा तौबा, कैसी माँ है जो रोकती भी नहीं है अपनी औलाद को गाली देने से? यानी बोले भाई, कि जैसा जैसी तोतली औलाद वैसी तोतली अम्मा। धंधा धाम धले लो तो बोला जाएगा, धंधा हाँ तो गंदा काम करती है तेरी अम्मी। धाम तौबा धलने तौबा वाले तौबा, तो बोला जाएगा। 5 टाइम मस्जिदों में पांच जाते टाइम मस्जिदों में जा तुम्हारी रही अम्मा है। जाती है? अच्छा ठीक है, क्या नहीं करती हमारी है? अम्मी नहीं जाती है, नहीं जाती मस्जिदों। हाँ तो वो नमाज ही नहीं पढ़ती होगी ना, वो तो दरगाह मजार वाली है। 15 टाइम तो नहीं दरगाह मजार जाती होगी फातिया वो देने। चलते, अच्छा मेरी अम्मी डेली पहले अभी दिया खैर, था तुम अपनी अम्मी की स्टोरी काहे सुना रहे हो? तुम्हारी अम्मी कोई हुज्जत है क्या? लानत बेची है, अरे बोलती तुम्हारी अम्मी बेटा मेरे अहले भाई कोई अजीज, हुज्जत नहीं है। तुम्हारी अम्मी अहले जो है अजीज वो ठीक थे है। हमसे, जिसकी हमारे माँ हैं अपनी तो। औलाद को गाली देने से ना रोके, मैं ऐसी माँ को अच्छी माँ नहीं मानता हूँ। और जो माँ जो अपने माँ बच्चे अपनी को औलाद को दूसरों की माँ को माँ जल्ला रंडी कहने से ना रोक पाए, वो माँ मेरे भाई अच्छी माँ नहीं हो सकती। जो माँ और अपने अभी बेटे अभी को अहले तुमने खुद कहा है कि अजीज तुम्हारी माँ को बनाते पता है कि तुम तो गालियाँ देते हो, बुनियादी यानी कि तुम्हारी माँ को भी मालूम है जानवर कि तुम शराब पीते हो, गालियाँ भी देते हो, माँ है। लौंडियाबाजी करते तो हो, अपने औलाद को लोगों को फोन अहले करके अजीज परेशान करते बनाते हो, तो आलिम दीन माँ की तौहीन जहन्नम में करते हो, जाएगी, जहन्नम जब सब कुछ में तुम्हारी अम्मा को जाएगी। पता है तो क्यों नहीं तुमको मारती है तुम्हारी अम्मा? भगा दे लात मार के घर से। औलाद तो अहले अजीज बना दे वो जहन्नम में जाएगी। वो अच्छा, औलाद कहाँ अल्लाह लिखा की है? कहाँ लानत है, अल्लाह लिखा है? की लानत है। कहाँ लिखा है? अरे भाई कहाँ लिखा औलाद है? अभी आपने बहुत लाजो बड़ा बंदे दावा कर वालों दिया के है पास कि जो माँ अपने बेटे को अहले हदीस अहले अजीज बना दे काफिर वो जहन्नम में बना जाएगी, तो दे ये तेरे कहाँ लिखा है? रोते वो जहन्नम ही है। भाई भाई चिल्लाइए मत, सुकून से बात कीजिए। जैसे मैं सुकून से बात कर औलाद रहा हूँ ना वैसे पहले आप भी अजीज सुकून पिए से बात बाद में कीजिए, आपका जिन जाग 5 टाइम जाता शराब पिए उससे अल्लाह की है। लानत अरे हो। भाई फिर वही मेरे भाई स्टोरी आ गई। तुम्हारी माँ मेरे भाई तुमको रोकती नहीं शराब पीने से, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मस्जिदों में सीना डाले, 5 टाइम अरे जाते तोतले अल्लाह भाई की तोतले लानत। भाई, मुद्दे की बात करो, मुद्दा ना भटकाओ। तो जामिन लाए तोतले पे जात, हम पिसली डाले अरे पहले भाई अभी पिए फारूक खान बाद लैपटॉप बाबा का आपकी बीवी के साथ में। मेरे भाई चक्कर चल रहा है, आप ही ने बताया था कल, तो ये इसमें मेरी क्या गलती है? आपने भी बोला ना कि मैं बाप नहीं बन जाता हूँ, इसलिए मैंने चला लू तीन सातवीं से डाल अपनी बहन अच्छा बीवी हाँ, को सुला कल दिया सुनिए 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 तोतले साहब, इलाहाबाद में ए तोतले साहब, ना अरे तोतले साहब पहले बोलना सीख हल जाइए। सुनिए मिला सुनिए तोतले साहब, अजमी थी कल आपने कहा था कि कासूदिया जलालुद्दीन लंबी कासमी सारी सारी
सारी औरतों के साथ सोता है ना। लल्ला लूला हाँ, तो आपने ये कहा था जलालुद्दीन कासमी हर औरत के साथ सोता है, तो हर औरत में तो आपकी माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बीवी भी आ गई, तो माज अल्लाह आपकी माँ बहने ऐसा करती है। तौबा तौबा, देखिए अब आपने जुमला पलट दिया। कल की ऑडियो आपकी मौजूद है, कल आपने कहा था सारी औरतों के साथ सोता है, तो सारी में तो आपकी माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बीवी भी आ गई। अच्छा ये बताइए, शादी आपकी कैसे हो गई? जब आप सोतले थे तो मेरे भाई कैसे शादी आपकी हो गई? मतलब आपके जो ससुराल वाले हैं, क्या आपकी बीवी भी तोतली है? क्योंकि तोतली की शादी हो सकती है, और आप तो तोतले हैं, तो इसका मतलब आपने धोखा देके शादी किया ना। शादी से पहले आपके ससुराल वालों को नहीं पता था कि आप तोतले हैं, क्योंकि आप बोलते नहीं होंगे, और शादी के बाद जब उनको पता होगा कि मेरा दामाद तो तोतला है, तो उनको कितना अफसोस हुआ होगा। और तोतले के साथ साथ माशाल्लाह गाली बात भी है, शराबी भी है, तो उनको कितना दुख हुआ होगा, कितनी तकलीफ होगी। मेरा दामाद नामर्द है। अच्छा नामर्द भी यहाँ तोतले के साथ साथ। अच्छा आपकी जो शर्मगाह है वो भी तोतली हो गई होगी ना, इसीलिए आप नामर्द है। अच्छा ये बताइए, शादी की पहली रात जब आपने अपनी बीवी से बात की होगी, तो आपकी बीवी के काम तो तोतले हो गए होंगे। तो ये बताइए, शादी की पहली रात मतलब आपने फातिया देके जब अपनी बीवी से पहली बार बात की होगी, तो बेचारी उसके तो कान तोतले हो गए होंगे। अरे ये तो मेरे भाई, मुझे मेरे भाई दूसरा मतलब दूसरा पीस मेरे को दिखा के मेरे भाई पुराना पीस दे दिया गया। ये गलत किया आपने यार, किसी लड़की से आपने शादी करके उसकी जिंदगी मेरे भाई तबाह बर्बाद कर दी। एक तो आप किसी काम के नहीं हो, आपकी जबान तोतली, आपके कान तोतले, आपकी शर्मगाह तोतली, आपका पिछवाड़ा तोतला, पूरा जिस्म तो आपका तोतला है। आप क्यों इतनी गालियां देते हो भाई? अरे भाई ये नहीं नहीं भाई, वहाँ आपने अपनी बीवी की जिंदगी क्यों बर्बाद की भाई? आपने अपनी बीवी की जिंदगी क्यों बर्बाद की शादी करके? जब आप तोतले थे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपनी अम्मा आप किसी तोतली से शादी करते बताइए, अच्छी राशि आपकी बीवी की जिंदगी मेरे भाई तबाह बर्बाद हो गई, अब उसके बच्चे भी तोतले पैदा होंगे। ये सब गलत है भाई, क्यों आपने शादी की भाई? या तो आप गाली देना छोड़ देते, शराब पीना छोड़ देते, तो आप शादी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक तो तोतला, ऊपर से गालीबाज, ऊपर से बरेलवी भी देती, ऊपर से शादी कर ली, यार ये तो जुल्म कर दिया आपने किसी औरत पे। आज जुमा है। अरे तो आज जुमा है तो क्या मेरे पास जुमे वाले दिन नहीं? ये बताइए, जुमे वाले दिन क्या तोतला गाली दे सकता है? ऐसा कोई मेरे भाई आला हजरत का फतवा मौजूद है? आला हजरत का फतवा पेश करो कि जुमे वाले दिन जो तोतला बरेलवी है वो गाली दे सकता है, ऐसा कोई फतवा है? अगर ऐसा कोई फतवा है तो पेश करो। नहीं मेरे वहाँ तो कुछ नहीं, मेरे वहाँ तो ये है कि अगर तोतला है तो अल्लाह ने बनाया है, अगर अंधा है तो अल्लाह ने बनाया है, गूंगा है तो अल्लाह ने बनाया है। लेकिन तुम्हारे वहाँ ये है कि अगर तोतला है तो मुझे तोतले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोतला होने के बाद माशाल्लाह गालीबाज होना, शराबी होना, नशेड़ी होना, ठीक है गंजेड़ी होना, और दूसरों की माँ बहन को रंडी कहना, दूसरे के आलिम दीन को गाली देना, ये तोतला बड़ा खतरनाक है। मुझे तोतले होने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप खाली तोतले होते और तौहीद पे होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप तोतले भी है, बिदती भी है, मुशरिक भी है, शराबी भी है, गालीबाज भी है, तो ये तो गलत है ना। आपने अपनी औरत पे माशाल्लाह शादी करके जुल्म कर दिया। तमाम अच्छा अब्दुल्ला भाई सच से बताना, आपकी बीवी को पहले से पता था कि आप तोतले? सच सच बताओ, शादी से पहले आपकी बीवी को मालूम था कि आप तोतले हो? भाई बताइए ना, सच्चाई बताइए लोगों को। लोग जानना चाहते हैं कि शादी से पहले क्या आपकी बीवी को मालूम था कि आप तोतले हैं? सच सच बताइए। तमाम अहले हदीस, आपकी बीवी को शादी से पहले मालूम था कि आप सोचने? सच सच बताइए। आपने अपनी बीवी को धोखा दिया, आपकी बीवी को पहले से नहीं मालूम था कि आप सोचले हैं? अगर आपकी बीवी को और आपकी ससुराल वालों को मालूम होता कि आप सोचले हैं तो आपकी शादी ना होती, आपकी शादी ना होती, आपने धोखे से शादी की है। ये बात मुझे बहुत ही आपके खास आदमी ने बताई है,
आपके आपके खास आदमी ने मुझे बताया है कि अब्दुल्ला तोतले ने ससुराल वाले को धोखा दे के शादी की है, आपने अपनी बीवी को धोखा दिया है। आप तो आप बताइए ना, आप मुझे मेरे पे दलील दीजिए कि शादी से पहले आपकी बीवी को मालूम था क्या तोतले हैं। आपने शादी से पहले फोन पे भी अपनी बीवी से बात सिर्फ इसलिए नहीं की कि आपकी बीवी जान जाएगी कि आप तोतले हैं तो वो शादी से इनकार कर देगी। आपने धोखे से शादी की है भाइयों, आपने धोखे से शादी की है। आपकी बीवी ये पहले से नहीं जानती थी कि आप तोतले हैं। अगर आपकी बीवी पहले से जानती होती आप तोतले हैं तो वो जहर खा के जान दे देती, लेकिन तुम्हारे जैसे तोतले गालीबाज शराबी से कभी शादी ना करती। उस बेचारी पे क्या बीती होगी शादी की पहली रात को जब उसको पता चला होगा कि मेरी शादी एक तोतले से हुई है, वो भी जो गालीबाज है। और तुमने शादी की पहली रात को भी अपनी बीवी को माँ बहन की गाली दी, तौबा तौबा शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे क्यों क्यों तुमने ऐसा किया यार तोतले, ये बताओ क्यों तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया यार? बड़ा अफसोस होता है तुम्हारी बीवी के लिए यार। यार तुम तोतले थे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम कमाते धमाते अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम सुबह से लेके रात तक सिर्फ लोगों को फोन करके उनकी माँ को गालियाँ देते हो। ये कौन सा तोतलापन है भाई तुम्हारा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें तोतले। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी बीवी को पहले बताया था कि तुम तोतले हो? सच सच बता दो अब्दुल्ला तोतले, गालीबाज, विदती, बरेलवी, मुशरिक, लोगों की माँ को रंडी कहने वाले, लोगों की माँ को जलील करने वाले, तुम ये बता दो शादी से पहले तुम्हारी बीवी को मालूम था कि तुम तोतले थे या नहीं? हाँ या ना मैं बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ तोतले, जल्दी बताओ। शादी से पहले तुम्हारी बीवी को मालूम था कि तुम तोतले हो? बताओ सर। अरे जलालुद्दीन कासमी से शादी थोड़ी ना हो, ये तेरी बीवी की पागल आदमी जबरदस्ती अपनी बीवी को माशाल्लाह बदनाम कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, शादी से पहले तेरी बीवी को मालूम था कि तू तोतला है, बरेलवी है, गालीबाज, कबर का पुजारी है, ये तेरी बीवी को पता था? यार तुम सवाल का जवाब ही नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे बहुत खास आदमी ने हमको बताया है कि जो ये अब्दुल्ला तोतला है इसने धोखे से शादी की है, इसने एक औरत को और उसके माँ बाप को बेवकूफ बना के शादी की है, क्योंकि तेरी शादी कहीं हो ही नहीं रही थी। कितने रिश्ते आए और तेरे को तोतला देख के तेरी शादी से इनकार कर दिया। एक तो तू सूखा साखा है, एक हड्डी का है, काला भूत है, ऊपर से तोतला है, ऊपर से गालीबाज है, ऊपर से शराबी है, ऊपर से कमाता धमाता कुछ नहीं है। तेरा काम धंधा ये है इसकी टोपी उसके सर करना, सुबह से लेके शाम तक लोगों को फोन करके गालियां देना, धमकियां देना, तो तेरे से कौन शादी करेगा बे? ये बता, तूने अपनी बीवी को धोखा दिया, उसके माँ बाप को धोखा दिया। अगर वो लोग पहले से जानते होते कि तू तोतला है तो तेरे पिछवाड़े पे लात मार देते, लेकिन तूने झूठ बोल के शादी की और ये बात तेरे ही खास आदमी ने मुझे बताया है। अगर तू कहे तो उसकी ऑडियो तेरे को भेज दूं, ठीक है बेटा? यहाँ कोई मेरे भाई हवा में तीर तुम्हारी तरह भाई हम नहीं मारते हैं कि हाँ वो जलालुद्दीन कासमी ऐसा है वैसा है, नहीं, हकीकत है। ऑडियो भेज रहा हूँ, तू सिर्फ इतना बता दे, तू सिर्फ इतना बता दे, अल्लाह सुबहानहू ताला को हाथ, अगर तू वाकई में अल्लाह पे ईमान रखता है तो इतना बता दे कि क्या तू, चलो भाई चलो, जिन जाएगा तुम्हारा, तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया तो तुम तोतले हो, तोतले, चल बे तोतले।